हमारे पास आयोग है, और ये तो जो है जब अजयपाल जैसे के जो है इलाज हो गया, जब अजयपाल जैसे तानाशाह किस तरीके से तो खुदा बन गया था, लेकिन क्या हुआ आज? आज वो देशद्रोही है, आज 420 है, कहाँ गया वो सिंगम? तो इतना घमंड नहीं करना चाहिए, उन साहब ने भी करा था, आज देख लो अंजाम क्या हुआ हुआ है। तो जो गलत करेगा, जो लाशों पे बैठ के अपने क्या नाम लेते हैं अपने फायदे की सोचेगा, या सोचेगा मैं लाशों पे बैठ के कामयाब हो जाऊंगा, तो ऊपर वाला भी होता है जो है, और आज आपके सामने है। तो जब अजयपाल जैसे को हो गए, ये तो किस खेत की मिर्ची है, ये पीड़ित लोगों को जो है जो परेशान करेगी। और वर्दी में है ये साहब, वर्दी उतार के आओ, ना मैं शिकायत करने का ना तुम करियो, फिर बताऊंगा मैं तो क्या है प्रेम राणा। पुलिस की तो दोष है जो बदतमीजी कर रहे, वो दिन कहाँ गए जब उस आदमी को जब मारा दो गोलियों से लोगों के तुम पैर पकड़ते फिरे, अपने भी गोली मारी जो है क्रॉस केस बनाने के लिए। तो अपने गिरेवान में झांक के देखो, और इतनी हिम्मत है पुलिस की, एकड़ी बंद कर दो देनी, खुले मैदान में आओ, मैं भी और तुम भी, फिर बताऊंगे हम क्या है क्या नहीं, ना मैं शिकायत करूंगा ना तुम करना, पता लग जाएगा तुम्हें। तो पुलिस की एकड़ी से जो है जो गरीब आदमी को तुम सता रहे और डरा रहे, जो पीड़ित लोगों को जो है तुम जेल भेज रहे, दलाली तुमने खुली कर रखी है, तो भाई दलाल जो है अब हमारा मुकाबला करेंगे पीड़ित की, अगर वो जो पीड़ित जो बेचारा मजदूर है, जो बेचारा अपना पता नहीं कैसे गुजारा कर रहा, और वो आपकी जेब में पैसे गेर रहा, तो इस बात को ध्यान रखियो कि आपका टाइम भी नज़दीक है, कहीं ना कहीं तो भुगतना पड़ेगा, ये तो कर्मा है, हर एक के साथ होता है, जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा जो है। तो मेरा यही कहना, यही आह्वान है सभी से कि आज जाग जाओ और अपने अधिकार को समझो, और 2 तारीख में आप सभी से यही गुजारिश है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा, अब ये सिर के ऊपर से निकल गया पानी, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, कब तक जो है हम लोग अपने लोगों को ऐसे ही बेचारों को जो है समझाते रहेंगे, नहीं भाई नहीं कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना जो है। अरे अब जो है अब तो औरतों तक आ गया मामला, और आगे जो है अगर ऐसे ही चुप रहोगे तो भैया आपके घर तक ये लोग जो है देर नहीं करेंगे आने के लिए। तो जाग जाओ, और इस लड़ाई में जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मुझे कुछ मानते हैं, मुनव्वर हसन को मानते हैं, अपनी लड़ाई आपको 2 तारीख में लड़नी है, मैं आगे आगे रहूँगा, तुम तो बस साथ साथ पीछे पीछे रहो, आगे मैं देखूंगा कैसे नहीं होगा जो है इंसाफ।